तीर्थ क्षेत्र की जय आदि ऋषभ देव भगवान की जय शासन नायक महावीर भगवान की जय चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज की जय परम पूज्य गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिभवत मे सदा सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी रूपिणी कल्याणी सर्वोक माता ज्ञानमति माता मसंग मयी सरस्वती जिनवाणी माता को नमन करके चारों अनियोगों में निबद्ध जिनवाणी के स्वाध्याय के अंतर्गत चरणान योग ग्रंथ के स्वाध्याय ओर ले चलती हूँ रत्न करंड शावकाचार जो लगातार आप पढ़ रहे हैं और अपनी आत्मा के अंदर छिपे हुए रत्नों की पहचान भी कर रहे हैं कि हम इस पंचम काल के अंदर भी गृहस्थ धर्म का परिपालन करते हुए और रत्नों के भंडार को प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि जैन रामायण पद्म पुराण के अंदर गृहस्थ धर्म को मुनि धर्म का छोटा भाई माना है मुनि धर्म का लघु भ्राता गृहस्थ धर्म को माना है ऐसा अयोध्या नगरी के अंदर विराजमान आज से नौ लाख साल पहले द्वितीय नाम के आचार्य ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई भरत को शिक्षा देते हुए कहा था कि भरत गृहस्थ धर्म मुनि धर्म का छोटा भाई है तो ऐसे गृहस्थ धर्म का परिपालन करने के लिए आप सबको आचार्य देव निर्देशित करते हैं कि किस प्रकार से आप अपने अंदर छिपे रत्नों की पहचान करके और उनको प्रकट कर सकते हैं तो अब आपको रत्नकरण शावकाचार की ओर ले चलती हूँ छोटी सी एक सूचना सुन लीजिएगा आज है चैत कृष्णा चतुर्दशी कल अमावस्या आएगी और परसों के दिन विक्रम संबत का पहला दिवस जो महाराष्ट्र के अंदर गुड़ी पाड़वा के नाम से प्रसिद्ध है और उत्तर भारत के अंदर विक्रम संबत् के रूप में प्रसिद्ध है परसों से विक्रम संबत दो समाप्त होगा और विक्रम संबद्ध 2080 लग जाएगा चैत्र शुक्ला एकम तिथि आएगी ध्यान देना है कि इस बार चैत्र शुक्ल पक्ष 16 दिन का है इस 16 दिन के पक्ष के अंदर आपको एक विशेष प्रक्रिया एक विशेष भक्ति और एक विशेष कार्यक्रम से जुड़ना है सोलह कारण पर्व चल रहे हैं जो चैत कृष्णा एकम से आठ मार्च से ही शुरू हो गए थे बत्तीस दिन का सोलह कारण पर्व हम आपको सोलह दिन के पक्ष में सोलह कारण भक्ति की दीप आराधना कराएंगे सोलह कारण भक्ति बहुत सुंदर है एक एक कारण अर्थात सोलह कारण की एक एक भावना को जैसे भक्तामर पढ़ते हैं, ऐसी सोलह भावनाओं के सोलह श्लोकों को पढ़ते हुए और आपको दीप आराधना करना है अर्थात एक भावना पढ़कर एक दीप जलाया जाएगा दूसरी भावना पढ़कर दूसरा दीप जलाया जाएगा तो इस प्रकार से आपको सोलह दीप जलाने हैं ये एक नई प्रक्रिया है नया कार्यक्रम है आप जाने कि सोलह कारण भावनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं जिनको भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया जाता है सोलह कारण के पर्व में सोलह कारण की पूजा करने की परंपरा है सोलह कारण के मंत्र जाप करते हैं पूज्य पूज्यकर्णी ज्ञानमती माता जी आपको प्रतिदिन प्रातःकाल सोलह कारण के भावना के एक एक मंत्र का जाप करवाती हैं इसे 32 दिन में जब आचार्यों ने डिवाइड किया है तो व्रत के अनुसार एक भावना को एक मंत्र को दो दिन बुलवाती हैं और ऐसे 32 दिन में धारणा और पारणा सहित 32 दिन में 16 भावनाएं होती हैं तो हम 16 दिन के पक्ष में 16 कारण भावनाओं की दीप आराधना आपको परसों से कराएंगे दिन में साढ़े तीन बजे से ही पहले 16 कारण भावना की दीप आराधना होगी और उसके बाद में रत्नकरण शवकाचार के श्लोकों का भी आप अध्ययन करेंगे और 30 मार्च को जैसा कि हमने बताया है कि 90 श्लोक तक चतुर्थ परीक्षे तक परीक्षा ली जाएगी आपके 41 श्लोक की परीक्षा हो गई है और अब 49 नाइन यानी एक कम पचास श्लोकों की परीक्षा होनी है भक्ति भी करना है और ज्ञानार्जन भी करना है दोनों को करते हुए इस पर्व को सार्थक करना है अब चलिएगा सो रत्नकरण शावकाचार की ओर नमाश्री यद विद्या कलिला चतुर्थ अध्याय चल रही है सम्यक चारित्र के प्रकरण में पांच अणुव्रत तीन गुणव्रत और चार शिक्षा व्रतों के कथन के अंतर्गत पांच अणुव्रतों का कथन हुआ है तीन गुणव्रत का प्रकरण चल रहा है उसमें तीन गुणव्रत में दिग दंड, अनदंड व्रत और देशव्रत इनके प्रकरण को इसमें लिया जा रहा है बहत्तर श्लोक हो चुके हैं और उसमें ये बताया गया था कि दिग्व्रत का पालन करते हुए दिशाओं की मर्यादा से बाहर जो नहीं जान जाते हैं तो वे महाव्रती के समान पुण्य का अर्जन कर लेते हैं यानी उनके अनुव्रत भी महाव्रत जैसे बन जाते हैं और वास्तव में उपचार से महाव्रत कहा है वास्तव में तो महाव्रतों को पालन करने वाले महापुरुष होते हैं और जो महान व्रत हैं पांचों पापों का पूर्ण रूप से परित्याग करने पर प्रकट होते हैं ऐसे महाव्रतों को धारण करने वाले मुनिराज कहलाते हैं अब नंबर नंबर में, 73 के श्लोक में आते हैं कि दिग्व्रत, यानी जो दिशाओं की मर्यादा की गई उसमें दोष भी लग जाते हैं तो उसके पांच अतिचार कहलाते हैं दिग्व्रत की पांच अतिचारों का वर्णन करते हैं ऊर्द्वाधस्ता ऊर्ध्व द्वादशता तिर्य व्यतिपाता क्षेत्र वृद्धि रवदीनां व्यतिपाता क्षेत्र वृद्धि रवदीनां विस्मरणं दिगविरते विस्मरणं दिगविरते रत्याशः पञ्चमन्यन्ते रत्याशः पञ्चमन्यन्ते जो ऊर्ध्व भागो अधो आगे की सीमा को कर दिया उल्लंघन तब समझो चार तीन होते उसको क्षेत्रों की सीमा व्रत करे कि मर्यादा को भूल गया अति चार इनको को छोड़े तब को निर्दोष किया यानी दिशा अधो दिशा, दिशा और क्षेत्र को क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा लेना या की हुई सीमा को भूल जाना ये पांच प्रकार के अतिचार होते हैं दोष होते हैं ये दिग्विति व्रत के पांच अतिचार माने गए हैं तो कैसे उर्ध दिशा उर्ध दिशा का अतिचार कैसा होता है जैसे ऊपर पर्वत आदि पर चढ़ते समय मर्यादा को भूल गए या मर्यादा का उल्लंघन कर लिया और ज़्यादा ऊपर चले गए तो जैसे किसी ने नियम कर लिया कि मैं दस हज़ार फुट के ऊपर नहीं जाऊंगा लेकिन किसी पर्वत पर चढ़ते समय या हवाई जहाज से यात्रा करते समय इस नियम का ध्यान नहीं रखा समझो ये पता भी नहीं चल पाता कि कितनी ऊंचाई पर उड़ेगा तो उस मर्यादा से अधिक ऊंचाई तक चले गए तो वह ऊर्ध्व ऊर्ध्व व्यतिपात नाम का अतिचार कहलाता है यानी कि ऊर्ध्व दिशा में जितना प्रमाण किया था जाने का उससे अधिक चले गए तो वो अतिचार होता है तो अतिचार जब लगते हैं तो उनका प्रायश्चित भी लिया जाता है बहुत सारे लोग हैं जो विदेश जा के आते हैं और आ करके वापिस फिर गुरुओं से प्रायश्चित धारण करते हैं ऐसे ही अधो दिशा में किसी ने नियम ले लिया कि इतने फुट तक नीचे जाऊंगा लेकिन कुआ या किसी खान में माइंस में उतरते समय उस व्यक्ति को ध्यान नहीं रह जाता या ध्यान नहीं रखा तो ये व्यतिपात नाम का अतिचार मतलब अधो दिशा में जाने के नियम से बाहर ज्यादा चले जाना ये अतिचार लग गया इसी प्रकार से तिरक व्यतिक्रम तिर व्यतिक्रम मतलब धरातल पर जहां पर हम लोग रहते हैं ऐसी कोई भी दिशाओं में आने जाने की जो सीमा की थी उस सीमा से बाहर चले जाना वह व्यतिक्रम अतिचार कहलाता है। अब आगे क्षेत्र वृद्धि कहेंगे कि आ, क्षेत्र वृद्धि अवधि नाम क्षेत्र वृद्धि का अर्थ यह है कि जैसे किसी ने चारों दिशाओं में पचास पचास कोष की सीमा रख ली कि पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर में पचास पचास कोस से ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा लेकिन नियम करने के बाद पूरब दिशा में साठ कोस की दूरी पर कोई अपना व्यापार का अधिष्ठान खुल गया कोई कारखाना लगा लिया तो वो व्यक्ति सोचता है कि चलो मैं पश्चिम दिशा की ओर तो चालीस किलोमीटर कर लूँगा और यहाँ 60 किलोमीटर कर लेता हूँ तो उस नियम की अपेक्षा तो उसके 100 किलोमीटर ही आए लेकिन चूंकि इन दिशाओं में आने जाने की मर्यादा का आ, मतलब केवल यह है कि आरंभ आरंभ से होने वाली हिंसा का त्याग आरंभ और लोभ से होने वाली हिंसा का त्याग तो आरंभ और लोभ से उस दिशा का जो सीमा थी उसका भंग हो गया तो उसमें भंग अभंग की अपेक्षा ये अति चार माना गया है क्षेत्र की अपेक्षा कि मैं तो दो दिशाओं में 100 किलोमीटर ही जाऊंगा तो 60 एक तरफ कर दिया एक तरफ 40 कर दिया तो उसकी बात नहीं है लेकिन हिंसा की अपेक्षा उसमें दोष लगता है तो सीमा और आगे क्या है स्मृत्यंतरा धान अवधि नाम विस्मरणम भूल गए जो अवधि रखी थी सीमा के विस्मरण का अभिप्राय क्या है जैसे आपने नियम ले लिया कि हम फलानी दिशा में चालीस कोस या पचास कोस तक ही जाएंगे पीछे नियम भूल गए और सोचा कि हमने चालीस कोस तक लिया था कि पचास कोस तक कि साठ कोस तक और फिर द्विधा की स्थिति में चालीस से आगे को बढ़ा लिया यानी भूल गए जानबूझकर नहीं लेकिन भूल गए तो ज़्यादा वाले को तो याद कर लिया कि हो सकता है हमने पचास साठ कोष तक किया हो ऐसे में स्मृत्यंतरा भी बताया स्मृत्यंतरा कहते हैं अर्थात की की हुई सीमा स्मृति जो थी उसके बदले दूसरी स्मृति को धारण कर लेना ये पांच अतिचार व्रत के बताए गए यानी दिशाओं संबंधी जो दोष लगना था यानी दिशाओं की जो मर्यादा की गई उसमें किसी भी कारण से जो दोष लगे ऐसे पांच कारण आपको पांच प्रकार के अतिचार के रूप में बताए हैं ये सब अपन स्वयं में ही समझ सकते हैं आपने कितना नियम लिया था और किस तरह उल्लंघन हुआ इसलिए जब भी आप इन चीज़ों का नियम लें तो अपनी डायरी के अंदर लिख जरूर लें क्योंकि मुँह जवानी भूल भी जाते हैं तो ऐसी स्थिति में नियमों का लिख लेना बहुत आवश्यक होता है कि किस प्रकार से हमने किस गुरु से नियम लिया था कई बार ऐसा होता है कि लोग भगवान के सामने ऐसे नियम ले लेते हैं कुछ भी नियम ले लिया कि हमने मान लो ले लिया कि हम रात में चतुर्विध आहार का त्याग कर त्याग कर दिया मैं नहीं करूँगा और उसके बाद इमरजेंसी की स्थिति आई डॉक्टर ने कहा दवाई जरूरी है लेना आपने ले लिया तो फिर उस नियम में लगे दोष का प्रायश्चित करने के लिए आते हैं जब तो उनको हम लोग यही बताते हैं कि आप किसी ना किसी गुरु से नियम लीजिए क्योंकि नियम का लक्षण यह है अभिसंध कृताविरतिर विषयाद योगाद व्रतम भवती व्रत का लक्षण यह है कि अभिप्राय पूर्वक जो गुरु के सामने नियम लिया जाता है जैसे मैं देखती हूँ आज ही एक महिला ने नियम लिया कि माता जी मैं स्वाध्याय तो करती हूँ लेकिन आपसे नियम लेकर के जाती हूँ कि मैं स्वाध्याय ज़रूर करूँगी ताकि मेरा नियम पलता रहे माता जी ने उनको नियम दिया तो उसके साथ उसको छूट दी कि आप कहीं बाहर गए हैं आप कभी बीमार हैं नहीं हो पाया स्वाध्याय ऐसी स्थिति में छूट है तो जब छूट रख लिया तो नहीं हो पाया बीमारी हरी की स्थिति में तो आपको दोष नहीं लगेगा इसलिए नंबर एक तो लिए हुए नियम को लिखना ताकि वो याद रहे नंबर दो गुरु से नियम ले लेना और उसके बाद यदि उसमें दोष लगते हैं तो उन दोषों को प्रायश्चित लेकर के और शुद्ध करना ये दिग्व्रत नाम के गुणव्रत का प्रकरण पूरा हुआ अब दूसरा आता है गुणव्रतों में दूसरा गुणव्रत है अनर्थ विरति व्रत आगे चलिए चौहत्तर नंबर के श्लोक में अभ्यंतरम दिग्वधे रार्थिकी भ्यास पाप योगी भ्या विरमण मन अर्थ दंड विरमन मन अर्थ दंड व्रतम विधुर व्रत धरा गृण्य व्रतम विधुर व्रत धरा दस दिश में जो मर्यादा की उसके ही अंदर अंदर में मन वचन से जो पाप सदा होते हैं बिना प्रयोजन में उनका नाम दंड उनका रुचि से त्याग करें इसका ही नाम दंड व्रत इस श्री गणधर उचरे गणधर ने कहा है विदुर व्रत अर्थात अब उसके अंदर बताते हैं व्रत धरा माने व्रत धारण करने वाले मुनियों में अग्रणी जो हैं प्रधान जो हैं यानी तीर्थंकर भगवान या गणधर देवादि ने इन्हीं बार बार अपनी बात को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए गुरुजन तीर्थंकर और गणधर भगवान का हवाला देते हैं क्योंकि अपनी निजवाणी हो सकती है लेकिन जो भगवान की वाणी के आधार पर कहा गया तो वो है जिनवाणी एक जिनवाणी है और एक है निजवाणी और एक जनवाणी निजवाणी माने अपनी वाणी जिनवाणी माने, माने जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित गणधर देव की वाणी के आधार पर जो जिन है उसको कह दें जिन और जनवाणी क्या है जनता की वाणी तो अपने को क्या लेना है जिनवाणी ना निजवाणी लेना है ना जिनवा ना जनवाणी लेना है ना निजवाणी लेना है ना जनवाणी लेना है लेना है क्या जिनवाणी तो जिनवाणी की प्रामाणिकता को बताने के लिए कहा कि व्रत धरा ग्रण्य व्रतों को धारण करने में जो अग्रणी है कौन अग्रणी है सबसे ज़्यादा तीर्थंकर भगवान और जिनके समोसरण शरण में जाकर के गणधर देव जैसे ही दीक्षा धारण करते हैं उनको मना पर ज्ञान हो जाता है मना पर ज्ञान होते ही वे चार ज्ञान के धारी जो भगवान तीर्थंकर के समोसरण में गणधर बन जाते हैं तीर्थंकर भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि को गणधर ही धारण करते हैं और गणधर देव फिर उस वाणी को अंतर मुहूर्त के अंदर द्वाद सांग रूप से निबद्ध करने में सक्षम हो जाते हैं इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि पूज्य ज्ञानमती माता जी कहती हैं कि आज द्वाद सांग उपलब्ध नहीं है और द्वाद सांग को कभी लिखा नहीं जा सकता क्योंकि द्वाद सांग को धारण करने वाले केवल गणधर आदि महापुरुष ही होते हैं और वह द्वादशांग वर्तमान में अंश अंश और और पूर्व पूर्व के के अंग के अंश रूप में धारण किया जाता है इसलिए आपको जानना है क्या जितना भी है जितनी भी जिनवाणी उपलब्ध है वह सब द्वाद सांग के अंश रूप में है ये भी आप पढ़ रहे ना रत्नकरण शावकाचार ये भी आचारांग का अंश है आचारांग जो ग्यारह अंग हैं, उनमें से पहला है पहलो आचारांग बखानों पद अष्टादश सहस प्रमाणों अट्ठारह हजार पद प्रमाण आचारांग है उनमें से आचारांग के पदों का जब प्रमाण पढ़ेंगे पद तो कितने कितने हजारों शब्दों का एक एक जाकर के पद होता है तो महानुभाव ये आचारांग का अंश है मूलाचार है जो मुनियों के आचार का मूलों के मुनियों के आचार संहिता को बताता है आचारांग का अंश है ये भी आचार का अंश है एक शंका आई कि हमने विदेश से कोई चीज मंगाई तो दोष लगेगा क्या यदि आपने विदेश जाने का कृतकारित अनुमोदना से त्याग किया है तो विदेश से मंगाई गई वस्तु में निश्चित रूप से अतिचार लगता है तो आपको ये जानना है एक तो क्या है इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं क्योंकि आजकल इम्पोर्टेड सामान बहुत मिलता है आपने इंडिया की चीज़ को आवश्यकता के अनुसार खरीदा जो क्षम है लेकिन स्पेशल आपका जब विदेश जाने का त्याग है यदि और आपने विदेश से स्पेशल चीज़ मंगाई है तो उसमें अतिचार लगेगा यही उर्दू व्यतिक्रम अतिचार लग जाएगा तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है तो महानुभाव इस प्रकार से रत्नकरण शवकाचार के अंदर अनर्थ दंड व्रत का जो भी हमने बताया उसके लिए कहा गया कि व्रतों को धारण करने में अग्रणी जो मुनिराज हैं गणधर और तीर्थंकर देव आदि हैं वो कहते हैं दिग्वधे दिशाओं की अवधि यानी सीमा से बाहर अपार्थ के भ्या माने कोई पार्थ माने प्रयोजन नहीं है बिना प्रयोजन के सपाप योगे पाप सहित योगों से निवृत्तम माने निवृत्त होने को अनर्थ दंड व्रत अब इसको क्या है अनर्थ दंड विरति व्रत समझना विदु माने मानते हैं जानते हैं तो अनर्थ दंड व्रत कहना तो उसके अंदर छिपा हुआ अनर्थ दंड विरति यानी अनर्थ दंड करने को व्रत नहीं कह सकते अनर्थ दंड करने का त्याग करना तो जिसमें कोई प्रयोजन नहीं है और पाप लग रहा है तो ऐसे कार्यों को करना अनर्थ दंड है तो उस अनर्थ दंड का भी त्याग करना यह है गुण व्रत का द्वितीय भेद है, है। इसलिए आपको जानना है कि अपगता अर्था प्रयोजनम ये शाम ते अपार्थ का यानी कि जिनका कुछ भी प्रयोजन नहीं है उसे अपार्थक या अनर्थ कहते हैं योग प्रवृत्ति दंडा योग की प्रवृत्ति को दंड कहते हैं तो मन काय से इनको त्याग करना ये अनर्थ दंड विरति नाम का दूसरा गुण व्रत कहा जाता है आज के स्वाध्याय का ये सार समझना कि श्रावक अवस्था में भी इन छोटे छोटे नियमों को समय समय पर कर लेने से पापों से विरक्त हो सकते हैं जावाणी के ज्ञान ते सूजे लो का लोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रहें